जालौन में महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोप है कि बीती 1 सितंबर को पुलिस ने थाने में जिस युवक के साथ महिला की शादी कराई थी, उसी युवक ने महिला को प्रताड़ित करते हुए अपने दोस्तों से महिला का जबरन सामूहिक दुष्कर्म करा दिया। पीड़िता जब मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। इतना ही नहीं, महकमे के उच्च अधिकारी भी मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रहे। पीड़िता ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की। साथ ही युवक के विरुद्ध कार्यवाही न होने पर महिला ने कलेक्ट्रेट परिसर में बैठ करके भूख हड़ताल की चेतावनी दी। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची महिला ने बताया कि बीती 1 नवंबर को कोंच कोतवाली में पुलिस ने कोतवाली परिसर में ही उसकी शादी कराई, जिसके कुछ दिन के बाद उसका पति अपने साथियों को लेकर के घर आया, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ महिला को सोने के लिए विवश किया। विरोध करने पर महिला को जमकर मारा पीटा और सिगरेट से उसे जलाया भी। इसके कुछ दिन के बाद वो दोबारा अपने साथियों को लेकर घर आया, जिन्होंने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मामले की शिकायत लेकर जब वो कोतवाली पहुंची तो पुलिस ने उसकी एक न सुनी। इतना ही नहीं, मामले की शिकायत पीड़िता ने एसपी समेत तमाम उच्च अधिकारियों से की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। शुक्रवार को महिला जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां अपर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंप कर न्याय की गुहार लगाई। महिला ने कहा कि अगर मामले में कार्यवाही न की गई तो वह कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल पर बैठेगी। आज एक शिकायती पत्र लेकर आई हैं, क्या शिकायती पत्र, क्या शिकायत की है आपने? कोच कोतवाली का मामला है। कोच कोतवाली में 1 सितंबर को हमारी शादी करा दी गई थी, क्योंकि वो हमने जिसके खिलाफ वो एप्लीकेशन दिया था तो लोगों ने फिर हम लोगों की शादी करा दी गई थी। उसके बाद हमारे पास कोई लिखित प्रारूप नहीं है कि ये हमारी शादी हुई है, ना कोर्ट मैरिज की है, ना कुछ किया गया है। कितनी तारीख को शादी हुई थी? 1 सितंबर को। 1 सितंबर वर्ष 2024। क्या नाम है जिससे शादी कराई थी? निष्कर्ष उर्फ बॉबी कुशवाहा। तो क्या आपका इससे प्रेम प्रसंग चल रहा था? पहले तो नहीं चल रहा था, क्योंकि हमारे जब मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद ये लोग, इनकी मम्मी, ये लोग हमारे घर आने जाने लगे। उसके बाद मतलब ज़्यादा वो हो गया, प्रेम भाव टाइप का, मतलब हमदर्दी दिखाने लगे, तो हम लोग भी उन्हें अपना समझने लगे। तो एक दिन हमारा बर्थडे था, तो उस दिन ये केक लेके आए, उसमें कुछ पता नहीं क्या मिला के लेके आए थे। तो उसके बाद उन्होंने मतलब केक काटा और वो केक खिला दिया। केक खिलाने के बाद उन्होंने नशे की हालत में हमारे साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद फिर वो लोग चले गए। फिर उसके बाद एक बार फिर आए, उन्होंने हमें अकेला पाकर फिर हमारे साथ गलत काम किया। तो उस दिन हम बहुत रोए। फिर हमने उनकी मम्मी से शिकायत की, तो उनकी मम्मी कहने लगी कि दादा दादा दादी की इज्जत रखो, और अभी मतलब अभी किसी से कुछ मत कहना दादा दादी से। तो उसके बाद फिर हम मतलब जब तुम बालिग हो जाओगे 20 साल की, तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हम मतलब इस तरीके से हम निश्चिंत हो गए थे कि अब तो हमारी शादी है, आंटी करवा देंगे। फिर उसके बाद वो फिर हमने कोच कोतवाली में शिकायत की, तो 1 तारीख को हमारी शादी करा दी गई थी। फिर उसके बाद 19 तारीख को बॉबी कुछ अपने दोस्तों को लेकर आए, कहने लगे कि इनका मन भर दो। तो हमने कहा कि हमने उनको बुरा भला कहा, तो उन्होंने अपने दोस्तों को भगा दिया। फिर उसके बाद फिर उनके 2-3 दोस्त आए, तो उन्होंने हमारी मर्जी के खिलाफ गलत काम कराया। गलत काम कराने के बाद उन्होंने फिर हमें बहुत मारा पीटा बंद कमरे के अंदर, जब उन्होंने अपने दोस्तों को भगा दिया था। उसके बाद बहुत मारा पीटा, तो हम डर गए। तो हम इस वजह से उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो गए। जब हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम ठीक है तुम्हारी बात पे ही चलेंगे, तब जाके हमने कोच कोतवाली में शिकायत की। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 तारीख को हमने ऑनलाइन पोर्टल किया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आँखें लगा के पहुँचा दी, वो भी हमारे खिलाफ। एसपी के यहाँ भी दी, सब जगह शिकायत करने के बाद हमें कोई वो हल नहीं मिला इसका। आज कहाँ शिकायत की है? आज हमने इधर डीएम साहब के ऑफिस में शिकायत की है। क्या चाहती हैं? हम ये चाहती हैं कि जो हमारे साथ हुआ है, हमें उसका न्याय चाहिए बस। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम इधर ही बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे, भूखे प्यासे रह के। बस हमें न्याय चाहिए।